सुबह भी करते थे और शाम को भी और दोपहर को भी करते थे। अच्छा, 15 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर 1600 मारते थे और इन्होंने वहाँ जाके एक्सलेंट मारा। सुबह सात बजे उठते थे। लग नहीं रहा था कि निकल जाएगा। क्या गलतियाँ किया जिसके कारण आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर आप दौड़ नहीं निकाल पाए? तो वहाँ गए तो हम तो गलती भी कर रहे थे, जूताई पहन लिए तो हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मैं बताना चाहूंगा इस लड़के को उम्र 18 साल हो रहा है और आपका उम्र क्या हो रहा है? 21 21 साल हो रहा है। ये दोनों लड़के ने आर्मी रैली एआरओ रांची में जो रेस हो रहा था वहां पे जाके इन्होंने एक्सीलेंट मारा है, इन्होंने गुड मारा है। और जो मेरे बगल में देख रहे हैं ये लड़का, लड़के का रेस नहीं निकल पाया है लेकिन अगले बार ये रेस को जरूर क्वालिफाई करेगा। तो मैं आज इन तीनों लड़के से इनके बारे में पूछूंगा कि आप प्रैक्टिस किस तरह से करते थे, डाइट में क्या लेते थे, जब वहाँ रेस अटेम्प्ट करने के लिए गए थे वहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिला या क्या अच्छा लगा और क्या क्या आपने किया, कैसे कैसे आपने चार चक्कर लगाया जिसके कारण आपने वहाँ पे एक्सीलेंट गुड वहाँ पे रेस निकाल क्या है। तो चलिए एक एक करके पूछते हैं। पहले पूछेंगे ये लड़के से जिन्होंने एक्सीलेंट मार के वहां से यहाँ पे आया हुआ है। तो आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रीतम टुड्डू हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप मतलब सुबह जैसे प्रैक्टिस करते थे कि शाम में प्रैक्टिस करते थे? सुबह भी करते थे और शाम को भी और दोपहर को भी करते थे। तीनों टाइम करते थे। अरे वाह, देखिए जुनून। ठीक है, तो सुबह कितना बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे? सुबह हम उठते थे 3:30 बजे। हाँ, तो यही लमसम 10-15 किलोमीटर रनिंग करते थे सुबह में। अच्छा, डेली का आपका वर्कआउट क्या था? हाँ, कि 10-15 किलोमीटर रनिंग करना। अच्छा, उसी से आप स्टेमिना एंड्योरेंस बना लिए थे? उसी से बना लिए। अच्छा, ये बताइए ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे या रोड में प्रैक्टिस करते थे? रोड में दौड़ते थे, फिर वहाँ से आते थे, फिर चार चक्कर ग्राउंड में मारते थे। अच्छा, 15 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर 1600 मारते थे, टाइम लेते थे डेली। और दोपहर में क्या करते थे? दोपहर में सिर्फ चार चक्कर मारते थे। दोपहर में चार चक्कर और शाम में? और शाम को भी वही चार चक्कर ही मारते थे। अच्छा, दोनों टाइम चार चक्कर मारते थे। जो इतना अभी धूप था थोड़ा दिन पहले जब आप रेस देने के लिए जा रहे थे उस धूप में ही दौड़ते थे? हाँ, धूप में भी दौड़ते थे, पैर में पूरा फोका सब हो रहा था। मतलब खाली पैर रनिंग कर रहे थे? खाली पैर रनिंग करते थे। रोड पे जूता पहन के करते थे और ग्राउंड पे खाली पैर। देख सकते हैं मेहनत कितना ज्यादा इस लड़के ने किया है तभी जाके आज इन्हें रिजल्ट मिला है और इन्होंने वहां जाके एक्सीलेंट मारा है। एक्सीलेंट मारना कोई मतलब छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात होता है एक लड़के के लिए जो एक लड़का गांव से बिलोंग करता है। बिल्कुल, आप गांव से बिलोंग करते हैं? गांव से बिलोंग करते। अच्छा, ये बताइए आप डाइट में क्या लेते थे? डाइट हम ज़्यादा कुछ नहीं लेते थे, बस रात को रोटी खाते थे। हाँ, और दिन में वही खाना, बस यही था। चना वगैरह, मूंग वगैरह कभी कभी लेते थे। मतलब उतना ज्यादा एफर्ट नहीं था कि आप प्रोटीन शेक भी ले सके, ये भी खा सके, पनीर भी खा सके, मीट मछली भी खा सके, ये सब इतना नहीं था। मतलब कैसे भी करके आपको दौड़ निकालना था। आपका वहाँ दौड़ निकल गया? दौड़ तो निकल गया, अच्छा से निकल गया। और फिर मेडिकल वगैरह? मेडिकल भी निकल गया। अब बस मेरिट लिस्ट आना है। चलिए भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम जल्द से जल्द आ जाए और आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। चलिए, मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं अनवर जी बैठे हुए हैं। ठीक है, आपका उम्र क्या हुआ? मेरा उम्र 17.5 साल हुआ। 17.5 साल, सोच सकते हैं पहली बार आपने भरा होगा फॉर्म? पहली बार इन्होंने फॉर्म को भरा है। अच्छा, आप बताइए कि आप सुबह कब उठते थे और प्रैक्टिस कब करने जाते थे? हम सुबह 7 बजे उठते थे। सुबह 7 बजे उठते थे? हाँ। क्यों? क्योंकि दोपहर में दौड़ना आता था। अच्छा, दोपहर में भी दौड़ता था? हाँ। और फिर शाम में? शाम में भी दौड़ते थे। शाम में यह लड़का दौड़ता था क्योंकि हम भी शाम को इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आते थे, तो ये आता था डेली 1600 लगा के जाता था। और मैंने इसको ये भी कहा था कि इतना थोड़ा सा दौड़ेगा तो क्या रनिंग कर पाएगा, थोड़ा मेहनत करो। तो वो कहने के बाद कुछ मोटिवेशन मिला था? हाँ, मोटिवेशन मिला था। क्या किया उसके बाद? उसके बाद भाई सुबह रात में थोड़ा लेट से सोते थे। हाँ। उसके बाद सुबह उठते थे 7-8 बजे, धूप निकलता तो फिर पहाड़ तरफ चले जाते थे। अच्छा, पहाड़ दौड़ करने लगा तुम, जिसके कारण अभी रेस निकाल के आया। हाँ, रेस निकाल। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में प्ले हो रहा है, और इस लड़का का भी यहाँ वीडियो देख सकते हैं, पुलअप लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों लड़का जो है, दोनों लड़का ने वहाँ जाके, इन्होंने तो एक्सीलेंट मारा है और इन्होंने वहाँ पे जाके गुड मारा है। अच्छा, ये बताओ जब वहाँ रेस देने के लिए तुम जा रहा था, ठीक है, रेस देने के लिए जा रहा था, तुमको यहाँ जब प्रैक्टिस कर रहा था तो तुमको लग रहा था कि वहाँ दौड़ निकाल लेगा? पहले तो प्रैक्टिस लग नहीं रहा था कि निकल जाएगा, फिर वहाँ पर अचानक वहाँ फिर मोटिवेशन सर सब तुम्हारे जो थे। हाँ। वो लोग फिर बोल रहे थे कि करते रहो, मोटिवेट करते रहते थे सर। अच्छा, जो आर्मी लोग थे वहाँ पे। हाँ। जो ट्रायल ले रहे थे। हाँ, वो लोग मोटिवेट करते थे। अच्छा,
कि दौड़ते रहो अच्छा से निकल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपको क्या लग रहा था कि वहाँ जाके आप एक्सीलेंट मारेगा, दौड़ निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या मन में क्या चल रहा था? मन में तो मेरा चल रहा था दौड़ तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि हम दो बार पहले भी जा चुके हैं। अच्छा, दो बार पहले भी कर चुके हैं? हाँ यस, दो बार जा चुके हैं और पहले बार एक्सीलेंट मारे थे, उससे पहले बार गुड मारे थे। अच्छा, दो बार भी आप पहले भी एक्सीलेंट और गुड मार चुके थे? गुड मार चुके थे। अनुभव था आपको? अनुभव था हमको, मतलब कि कैसे दौड़ना है, कितना दौड़ना है, मतलब हम एक्सीलेंट आ पाए। अच्छा, वही होता है। अच्छा, आप दोनों मुझे बताइएगा, जब आप वहाँ पे लगाया गया था तो आपके बैच, आप दोनों एक बैच में थे? नहीं नहीं, हम लोग अलग बैच, अलग बैच में थे। तो आपके बैच में वहाँ कितना बच्चा था? हम लोग का बैच में 150 बच्चा था। 150 बच्चा था। 150 बच्चा में कितना बच्चा का वहाँ सिलेक्ट किया गया? 32। 32 बच्चा को सिलेक्ट किया गया, मतलब इस बार टाइम दिया जा रहा था? टाइम दिया जा रहा था। थोड़ा दौड़ इजी था? इजी ही था, मतलब पहले से इजी था। अच्छा, जैसे वहाँ पे जो बैच लगाया गया था, सभी को एक झुंड में लगाया गया होगा? हाँ, एक झुंड में लगाया था हम लोग को पूरा। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं ना बोला गया कि आगे के लिए दौड़ने के लिए पीछे घूम के दौड़ गया सब? नहीं, बोले पहले जैसा होता था, हाँ। सिर्फ बोलता था पीछे मुड़ रेडी गो, हाँ। इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार कैसा हुआ? इस बार मतलब हम लोग को बैठाया गया, हाँ। सब बैठाने के बाद फिर मतलब सर लोग कुछ बताने लगे हम लोग को। अच्छा, बताने के बाद फिर पीछे मुड़वाया, खड़ा करवाया, हाँ। फिर खड़ा करवाने के बाद मतलब फिर बताते गए फिर बाद में बोला रेडी गो, तो वही हम लोग दौड़ स्टार्ट के बाद में। अच्छा, पहला चक्कर में क्या हुआ था, बच्चे स्पीड खींच रहे थे या नॉर्मल चल रहे थे? हाँ, स्पीड ही खींच रहे थे। तुम्हारा बैच में क्या चल रहा था? मेरे में भी स्पीड ही था, पहले हम ही आ गए थे, सबसे पहले आगे चला। 150 का लीड बनाए थे हम। 150 का लीड बनाया था, हाँ। फिर कैसे रह गया? थर्ड राउंड में फिर बॉडी टाइट हो गया। बॉडी टाइट हो गया, हाँ। और तुम्हारा? मेरा तो मतलब दो लड़का आगे था। अच्छा, हम फिर भी देख रहे थे, मतलब जाना है हमको, दौड़ना तो है, हमको तो पता है कि कैसे दौड़ेंगे तो हम एक्सीलेंट आएंगे। हाँ। वो दो लड़का दौड़ा था, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। फिर जैसे दूसरा राउंड शुरू हुआ, हाँ। दूसरा राउंड के बाद हम आगे चल गए, वही 30 मीटर, हाँ। 20 मीटर इतना ही लीड देते गए और हर एक राउंड में लीड बनाते लीड बनाते। लास्ट का जो 200-300 मीटर बचा था, वहाँ पे जोर लगाया था कि नहीं? लास्ट में तो मतलब नहीं जोर लगा पाए, मतलब थक गए, थक गया था। हाँ, 2-3 कदम, लेकिन आगे ही हम रह गए शुरू से अंत तक। अच्छा, शुरू से अंत तक आगे ही रह गया। तुम्हारा क्या हुआ अनुभव? बस वही बॉडी में अपना टाइट हो गया, दो चक्कर तक आगे रहा तो। हाँ, दो चक्कर आगे। उसके बाद तीसरा चक्कर में जो लास्ट में हमको 2-3 लड़का काट दिया, फिर चौथा रन में फिर गुड में आ गए। चलो अच्छा हुआ, वहाँ पे गुड मार दिया। फिर उसके बाद दौड़ कंप्लीट हुआ, दौड़ कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ? दौड़ कंप्लीट होने के बाद सर सबको लाइन में लगाए, हाँ। फिर जो प्रोसेस था लॉन्ग जंप का, हाँ। 9 फीट लॉन्ग जंप था, तो वो हम लोग लॉन्ग जंप किए, हाँ। फिर एक जिग जैग क्रॉस टाइप का था, हाँ, फिर वो किए, हाँ। उसके बाद सर फोटोग्राफी हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर बैग लेके हम लोग पुलअप की तरफ आगे बढ़ गए। पुलअप कितना लगा पाया तुम? 10 में 10 लगाया। तुम कितना पुलअप लगाए? 10 में 10 लगा दिए। अच्छा, मेडिकल में क्या क्या चेक किया गया? मेडिकल में पूरा शरीर चेक किया, मतलब नोकनी सब हुआ, उंगली सब हुआ, हाथ सब, फिर बोलवाया, फिर बोलने को भी बोला कि बोल के देखो कहीं तोतला तो नहीं रहा है। अच्छा, टैटू वगैरह चेक किया? टैटू वगैरह सब चीज चेक किया, मतलब कान वगैरह सब कुछ, कान सब। चलो, उसमें भी मेडिकल में भी पास है? पास है। तुम भी? हाँ, मेडिकल फिट है। अच्छा, अब मैं एक लड़के से पूछना चाह रहा हूँ जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा मेहनत किया लेकिन इनका रेस नहीं निकल पाया। अब इनसे पूछेंगे कि क्या क्या वहाँ पे आपने गलतियाँ कर दिया जिसके कारण आपका रेस नहीं निकल पाया। आप मुझे बताइए, प्रैक्टिस किस तरह से करते थे? सुबह तो 5 किलोमीटर मारते थे, इसके बाद 5 किलोमीटर फिर शाम में आते थे, 4 राउंड मारते थे। मतलब आना, 5 किलोमीटर मारना, फिर 4 राउंड मार के फिर चले जाना दोपहर वगैरह? दोपहर नहीं, सुबह शाम खाली करते। सुबह शाम करते थे। शाम में क्या करते थे? शाम में भी चार चक्कर मारते थे। अच्छा, ठीक है। तो जब वहाँ रेस देने के लिए आप जा रहे थे, उससे पहले आपको डर लग रहा था कुछ इस तरह? थोड़ा घबराहट लग रहा था। थोड़ा घबरा गए थे आप? जी। अच्छा, और क्या बोलते हैं, जब वहाँ पे आपको, आपके बैच में कितना लड़का था? 100 लड़का था। उसमें से कितना का सिलेक्ट किया गया? 30 बच्चों को लिया गया। अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ, क्या लग रहा है कि आपने क्या गलतियां किया जिसके कारण आपका वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर आप दौड़ नहीं निकाल पाए? यहां हम स्टेडियम में ग्राउंड में खाली पर रनिंग करते थे। अच्छा, तो वहां गए तो हम तो गलती भी कर रहे हैं, तो जूताई पहन लिए, तो जूता पहन के थोड़ा भारी, मेरा पैर थोड़ा भारी हो गया, जाम हो गए, तो दौड़ नहीं पाए वहाँ पे। तो लास्ट राउंड में तो बॉडी में थका हुआ पूरा महसूस होने लगे, तो हाथ चलने नहीं लगे। अच्छा, हाथ पर टाइट हो गया। देखिए, इस लड़के ने गलती क्या क्या, यहाँ से आपको सीखना चाहिए। अगर आप खाली पैर ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको खाली पैर ही रनिंग करना चाहिए, क्योंकि आपको जूता का अनुभव नहीं है कि नहीं? आपने सभी ने जिस तरह से प्रैक्टिस किया उसी तरह से वहाँ दौड़ लगा। आपने गलती क्या क्या कि वहाँ जाके जूता पहन लिया। दूसरा बात, जब आप वहाँ रेस करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले आप कितना घंटा पहले वहाँ पहुँचे थे? 1 घंटा पहले पहुंचे थे। मतलब रांची कब पहुंच गए थे? रांची हम यहाँ से निकले थे 8 बजे। मतलब कल सुबह ही पहुंचे? सुबह पहुंचे 7 बजे। और वहाँ दौड़ कितना घंटा बाद हुआ?
दौड़ मतलब 12 बजे लाइन लगा है। अच्छा, तो 6:30 बजे दौड़ा है शाम में, सुबह रात में लाइन लगाए 12 बजे। अच्छा अच्छा, तो सुबह 6:30 बजे दौड़ा है। चलिए ठीक है, आप कितना घंटा पहले पहुंच के वहाँ रेस्ट वगैरह किए? दोनों साथ में गए थे, सब तीनों साथ में गए थे। अच्छा ठीक है, मतलब आप लोग एक दिन पहले पहुंच गए थे वहाँ पे? एक दिन पहले पहुंच गए। और डाइट वगैरह में अच्छे से खा पी रहे थे, रेस्ट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। मतलब डाइट नहीं लिए थे वहाँ पे, अनुभव ही नहीं था मेरे पास। सुबह 12 बजे, तुम्हारा तो पहली बार था। मेरा तो सेकंड में, हम वहाँ अंदर में पूरा भूख मर लग गए थे, डाइट वगैरह नहीं लिए। अच्छा, बैग में कुछ भी लेके नहीं गया था? देखिए भाई, जब भी आप दौड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लेके चलना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ जो पूछ रहे हैं इस बंदे से जो एक्सीलेंट मार के आए, आप क्या लेके गए थे? हम तो ज्यादा कुछ लेके नहीं गए थे, बस वही चूड़ा भुंजा हुआ था, वही लेके गए थे और चना हल्का ले गए थे। ठीक। और रात में से हमको पता था कि इतना बजे लाइन लगना है, तो हम पहले रोटी खा लिए रात को। हाँ। रोटी खाने के बाद फिर सो गए, सोने के बाद हम 2 बजे उठे, वही 3 बजे हम लोग लाइन में लगे। वो लोग तो 12 बजे ही लग गए थे, हम लोग 3 बजे लगे। अच्छा। तो हमको पता था मतलब ऐसा होता है, पहले ही लगवा देता है, बैठा देता है, बैठते बैठते पैर सब पूरा हो जाता है। हाँ। तो इसीलिए हम लोग पहले सोचे कि रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद 3 बजे हम लोग घुस जाएंगे। तो वही हम लोग 3 बजे घुसे, हम लोग वही 6:30 बजे के लमसम में दौड़ हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब इनके पास अनुभव था तो इन्होंने वहाँ पे डाइट लेके गया, चना लेके गया, और इनको पता था कि 12 बजे से फालतू का बाहर में लाइन खड़ा रहता है। ठीक है, ये 3 बजे तक आराम से सोए, और सोने के बाद आराम से रेस्ट वगैरह करने के बाद आप वहाँ पे दौड़ लगाने के लिए गए, जिनके कारण इन्होंने एक्सीलेंट मारा। और इनका भी पहला बार का ही अनुभव था, मात्र 17.5 साल का लड़का है ये, और इन्होंने भी गुड निकाला है, और इनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आना बाकी है। और उन्होंने यही गलती किया कि उन्होंने प्रैक्टिस यहाँ पे खाली पैर किया, वहाँ जाके जूता पहन लिए, रेस्ट अच्छे से नहीं ले पाए, डाइट अच्छा फॉलो नहीं कर पाए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर पाए, जिनके कारण उनका रेस नहीं निकला। तो कोई बात नहीं, आप अगले बार ट्राई कीजिएगा। हाँ जरूर। चलिए, अगले बार ये लड़का जरूर एक्सीलेंट मार के आएगा, क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ ये सीखे हैं। तो अगले बार का क्या है कि मार के एक्सीलेंट आओगे? एक्सीलेंट मारेंगे। तुम्हारा क्या है कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं? आना तो चाहिए। आना चाहिए, नहीं आएगा? यस। देखो, हमेशा जो सोचना चाहिए ना, वो अच्छा सोचना चाहिए कि कुछ अच्छा हो, ठीक है? तब आप बताइए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम इस बार आएगा कि नहीं? मेरा तो आएगा ही इस बार, आएगा। मतलब पूरा कंफर्म है, मतलब दौड़ में भी एक्सीलेंट आए हैं, बी में भी एक्सीलेंट आए हैं, और जो एग्ज़ाम भी लिखे थे तो 50 का क्वेश्चन था, उसमें 42 को टच किए थे। अच्छा, तो कंफर्म मुझे है, मतलब 30 को हम बनाए हैं कंफर्म। तो मेरिट लिस्ट में नाम आना आपका कंफर्म है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लड़के और मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि भैया हमसे पुलअप नहीं लगता है। अनवर, तुमने भी 10 पुलअप मारा? हाँ। तुमने भी 10 पुलअप मारा? तो पुलअप लगाने के लिए प्रैक्टिस में क्या क्या करते थे? टेस्टिंग में हम तो ज़्यादा कुछ करते ही नहीं थे, बस वही रनिंग करते थे, आते थे, पुलअप डेली लगाते थे। मतलब डेली का रूटीन था 1600 मारना और पुलअप लगाना? पुलअप लगाना। अच्छा, तुम्हारा? हमने तो आफी का वीडियो देखा था, शॉर्ट करके जो किए बताते ना एक बार चिन अप के लिए। हाँ हाँ। तो वही हम देखा था, वही आकर ट्राई किए तो होने लगा। मतलब टेक्निक को इस्तेमाल किया, ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे मारना। हाँ, आपने जो टेक्निक बताया था। हाँ। वही टेक्निक से हम मारे। चलिए, कहीं ना कहीं हमारे वीडियो को हमारे लोकल लड़के भी देखते हैं और उनको भी ये फॉलो करता है और उनसे भी इन्हें रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो बहुत अच्छा, मुझे भी खुशी लगता है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप इन लोगों से कुछ सीखिए और इन लोगों से कुछ मोटिवेट होइए। वो लड़का का लाने का मतलब ये नहीं था कि उन्हें मतलब फेल हो गया, ये हो गया, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी बहुत अच्छा बात बताया कि आप अगर फेल होते हैं तो आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस खाली पैर ग्राउंड पर कर रहे हैं तो आपको जूता पहन के वहाँ पर रनिंग नहीं करना है। जिस तरह से प्रैक्टिस किया खाली पैर, तो खाली पैर ही वहाँ पर रनिंग करना चाहिए। गलती क्या करते हैं कि जो चीज़ आप प्रैक्टिस में नहीं करते वो चीज़ जाके वहाँ ट्राई करने लगते हैं। जिस तरह से आपने प्रैक्टिस किया उसी तरह से ट्राई करें। अच्छा, आप तीनों को इस बार क्या लगता है, इस बार का दौड़ कैसा था? दौड़ तो इजी था, दौड़ इजी था इस बार? बहुत इजी थे, पहले से पूरा इजी था। पहले मतलब हम लोग 5 में घुसते थे, 5:05 में। हाँ। इतना ही टाइम देता था, इस बार 5:45 तक टाइम दे रहा है। 5:45 तक टाइम दे रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस बार का दौड़ भी इजी हो गया, और अगले बार हो तो और इजी हो जाएगा। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी और अग्निवीर में कुछ चेंजेस भी आए हैं। अब 50% बच्चे को वहाँ पे रखा जाएगा, जैसे बोलता था कि 75 को हटा दिया जाएगा और 25% को ही रखा जाएगा, लेकिन अब चेंजेस आए हैं कि अब 50% बच्चे को परमानेंट किया जाएगा। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मेहनत अच्छे तरह से करते रहें, आपका सिलेक्शन फिक्स है, और घबराएं नहीं। उस लड़के ने कहा कि मैं अगले बार जाके एक्सीलेंट मारूंगा, जरूर वो एक्सीलेंट मारेगा अगर उसके अंदर जुनून होगा। मेरे तरफ से यही दुआ है कि आप सभी का मेरिट लिस्ट में नाम आए, और अगला बार आप भी एक्सीलेंट मार के आए, गुड मार के आए, और आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर जुड़े और अपना कीमती समय हमें दिए। तो आप सभी को कैसा लग रहा है इंटरव्यू देखे?
अच्छा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इंटरव्यू दे करके। पहले तो हम गांव में रहते थे हाँ। तो ये सब हमको पता नहीं था, मतलब यहाँ ऐसे सर भी हैं। तो अभी जो अनुभव से हम मिले, यहाँ भी दो तीन बार हम दौड़ने आए, मतलब स्टेडियम में मतलब नपावार रहता है, तो वही हम भी यहाँ आए। यहाँ आके आप टाइम वगैरह चेक करते थे, ठीक है? तो चलिए अच्छा है, इसी तरह आप जुड़े हुए रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए, ताकि अनवर की तरह बेनिफिट और सभी को मिल सके, ठीक है? तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस दिए नंबर पर कॉल करें। तब तक के लिए बाय, बोलेंगे एक साथ भारत माता की जय।